देखें, चाउमिन है, राइस है, ग्रेवी है और ड्रम स्टिक है, और ये कोई 2000-1500 की नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 800 रुपए की है। यार वीडियो के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी था। वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। तो आज हम फैसलाबाद की सबसे अमेजिंग डील्स ट्राई करने आए हैं और सबसे एक यूनिक जगह पे आए हैं जो फैसलाबाद की सिटी में एक जगह छुपी हुई है, हिडन जेम कह सकते हैं हम इसको। ये बिल्कुल जैन जिम के साथ है, रियल टेस्ट रेस्टोरेंट सत्याना रोड पर। आज हम इनकी दो कमाल की डील्स ट्राई करेंगे, एक तो इनका ये जिंगर बर्गर की डील है और एक इनकी चाइनीज़ फूड है, तो दोनों ट्राई करते हैं। तो आए चलते हैं, इन्होंने अंदर से बहुत प्यारा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और देखते हैं। तो हम इनके किचन में आ चुके हैं, आप देखें कितना बड़ा किचन है और कितना हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। दिखाओ यार किचन में। मतलब पूरा वाइड किचन है, कंजस्टेड भी नहीं है और खाने पे फुल इन्होंने तवज्जा दी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमने सबसे पहले इनकी एक डील कराई है जिसमें दो जिंगर बर्गर हैं और 7 फ्राइज़ हैं और 2 ड्रिंक्स हैं। ये डील सिर्फ 1200 के अंदर है और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है, प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं इसकी, और साथ इसके 2 ड्रिंक्स हैं सिर्फ 1200 में। और अब हम अपने चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ जो है इनका चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल फूड, वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये इनके दूसरी साइड पे इनकी दूसरी डील बन चुकी है जिसमें देखें चाउमिन है, राइस है, ग्रेवी है और ड्रम स्टिक है, और ये कोई 2000-1500 की नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 800 रुपये की है। और यार मुझे तो देख के मुंह में पानी आ गया, अब खा के चेक करते हैं कैसे। तो यार हमारा खाना तो आ चुका है और बहुत मज़े का लग रहा है, जितने नाम इनका रियल टेस्ट है, अब चेक करते हैं टेस्ट भी कितना रियल है। भूख लगी देखे तो और भी भूख लगी, टेस्ट करते हैं बताते हैं आपको। यार क्या डील है, प्याज रखी सर, कॉफी रखी हुई है यार, कोई सोचो क्या सा गया मसाला। अब जिंदाबाद में मशहूर मज़ा ही आ गया। और वीडियो के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी था, हम KFC मैकडॉनल्ड्स को तो बहुत ट्राई करते हैं और हम कहते हैं उनका खाना सबसे मज़ेदार है, लेकिन आजकल जो फ़लस्तीन का मसला चल रहा है उसमें हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन ब्रांड्स को बायकॉट ज़रूर कर सकते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान के ब्रांड्स इतना अच्छा खाना बनाते हैं और इतने पैसों के हिसाब से भी रीज़नेबल है, हमें ये ट्राई करना चाहिए, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। और यार ये इतना अच्छा है और हम 100% रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई करें।